लोग दिल्ली के सीडी इंटरनेशनल बैंक की तरफ से आए हैं। आपकी कंपनी ओबेरॉय इंडस्ट्रीज ने हमारे बैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे थे सर। यस यस आई नो इट, आई नो इट। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पोते राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। सर हम ये खुशखबरी मिस्टर राज ओबेरॉय को देना चाहते हैं। कहाँ है वो सर? मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का, मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं, आप किसी जरूरतमंद कंपनी को ये लोन दीजिए, जहाँ के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी हमारी जान निकाल देती हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड जहाँ इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते? जी हाँ 100%, आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत हैं, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये गुण है इनमें। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए, फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने दो पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा। आप अपने बेटे को संभालिए, हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड बोलो मेरे लाल। डैड हाँ क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे, वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाँव दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अले वाले वाले वावा क्या मजा आ गया। अले हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल थी, और ये थपेट वाले भी मेरे को अच्छा लग रहा था, जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पहाड़ रख दिया और वो धागे मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था, और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं थुगल फैक्ट्री खा गया हूं। बाबूजी ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए निमोनिया हो जाएगा। ए मैं अपने दादा के पैसे की खा रहा हूं, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूं, ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। ए मुरली जी अरे इधर आओ जल्दी से, आओ जल्दी से, मुझे पतला होना, जॉगिंग ऑल करो जल्दी से। जन्म में जाए तेरा पतला होना, दो घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुलाली जी तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा, मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा? अबे कमाल कर एक आदमी मिला यार। ए मैं क्लैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी तो आप टाइट है। इसके सारे स्क्रू गिर जाए बहुत अच्छा है। ये बंदर। ए बंदर कभी बोलना नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राउंड के अंदर कर दूंगा। चलो एक किलो फिलते, एक फिलते किलो, फिर से फिलते। अरे मैं 10 लगा के आया। बात है तू पति बता तैतरी मोहन निताल, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा तो। हाँ और बता। आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू थमता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। बाबूजी ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी मेरी शादी होने वाली है, हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला चल ला, जब मैं आइसक्रीम को किट करता हूँ ना मुझे लगता है मैं मीना तो किट कर रहा हूँ। अच्छा मीना की पप्पी ली थी? मीना थी ना। I love you, मीना। ए मुलाली जी, अरे मुलाली जी एक मिनट बात सुनिए। क्या? इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मालना है। अरे सवाल पूछा जाता है मारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मालता हूँ। देखो एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, और एक दिन दोनों थुप्पा थुप्पी खेल रहे थे, और तीती है ना तीती मंदिर में जाकर थुप गई, लेकिन वो हाथी तो तेते पता लगा कि तूती मंदिर में है।
हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कोई चूटी मंदिर में। अरे मेला हाथी बहुत मात है, वो किसी से पुत्ता उत्ता नहीं है, वो अपनी थोपड़ी तलाता है मेली तला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। अरे वो हाथी ने तीती के टप्पल मंदिर के बाहर देख ली तो पता लग गया तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चूटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली। हाँ देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। ए तेरे को मैंने पता था आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया। ए तीती है, तीती है। आइसक्रीम आप यही खाएंगे या पैक करने तुम अपने चलो मेरे सुनो, ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और आज ही भेज देना। अरे ए क्या कर लो, अरे क्या हो रहा है, तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर लो ओते मोस्ट वेलकम। ए तमाल दे तो लगता ही बाबूजी मेरे पैसे। अरे मुलाकात ले लो, मैं किडनैप बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ए ए कुत्ते क्या बात है, वही जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलूं, फोन आएगा खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दद्दू ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको पैसा वैसा देना नहीं, मैं इनको बेवकूफ बना के उल्लू बनाते रहता हूँ। मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस बस अपन समझ गया, तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर भिजवाऊंगा। मैं टुकड़े कर रहा है, तेरे बाप का ला दे क्या? अबे ऐसे हिल क्या रहा है, पहले लोकल ट्रेन में तने बेचता था क्या? तने तने। डैड माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके। एक हाथी था और एक टीटी थी, दोनों कूतर पे जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया के पास से, इतने एक ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना हाथी मल गया और टीटी बच गई। बताओ तेते। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। टीटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। तुम्हीं पुलता, तुम्हीं पुलता उधर नहीं, हाथी के पीछे छुप गई होगी। वो आए दिन ठीक खेल रहे थे, फालतू बात मत कर। हार गए ओके। ओते अले तीती ने हेलमेट पहन रखा था 54। अभी मैं भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। तो ये बात नहीं है, काम चलो तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो। पकड़ा तुम ही, राइट पकड़ लो। ए तू तौलत पता ले, तौलत 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 पता ले, तू तौलत पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले, पूत। ओके सब ले दियो। 1 2 3 4 5 4 1 2 4 5। ए भाग गया, पकड़ो उसको। मेरे को पकड़ो, पकड़ो। आओ आओ पकड़ो पकड़ो। एक मिनट टैबलेट टैबलेट। ए टैबलेट टैबलेट ए टैबलेट। मैं आउट होता है। टैबलेट 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 टैबलेट। मैं अरे राज बेटे तुम। हाँ अरे इन लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे भागे, मैं रोड से भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं गार्डन में भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं पुलिस स्टेशन में भागा ये लोग फिर मेरे पीछे भागे। क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं है। अरे बाबा मैं तो थ्रूते बोल रहा हूँ कि मेला सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी सब ताए थे। चुप यार, रोना नहीं। तू तो रोना अब तक होता मालूम आता है पता था। मैं चलता हूँ, मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना, वो टेंशन में होंगे। हाँ तो तेती तैयार होते। ओके बेटे होते। दद्दू हम आ गए। राजू मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। राजू मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं दद्दू, वो तो हमको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा लेकिन तुम उनके चुंबन से निकले कैसे? अरे अपनी वो लर्निंग डॉगिंग, मैं आधे आगे हूँ मेरे पीते पीते, और मैं तो रनिंग में नंबर 1 हूँ ना। पूछिए मुलाली काका से कितनी अच्छी डॉगिंग करता पूछिए। मत याद दिला, सोच कर ही मेरी सांस फूलने लगी है। मुलाली काका हमारा राजू जॉगिंग की वजह से सही सलामत घर वापस आ गया है, अब ये सुबह से शाम तक जॉगिंग करे हमें मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है, नौकरी मंजूर है। आपको पता नहीं है ये जॉगिंग करता कहाँ है, ये आइसक्रीम चाटता रहता है, हम इसके बदले जॉगिंग करते रहते हैं। मुलाली काका धूप बोले तो हुआ जाते। गुड मॉर्निंग ओब्राय साहब, ये सिर्फ भाग कर नहीं आया है, ये उन किडनैपर्स को जेल में बंद करवा कर आया है। क्या? हाँ आपका पोता बड़ा स्मार्ट है ओब्राय साहब, इज वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बधाई देने आया था, उन किडनैपर्स पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। ओहो। और वो 10 लाख आपके पोते को मिलेगा। ये गई। अरे इन्हें क्या हो गया?
कोई हजार के ऊपर की बात करे तो ये लुढ़क जाती है, आपने तो 10 लाख का फटका एक साथ में मार दिया। आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी नहीं। मैं चलता हूँ ब्राय साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड लक। पैसे से बहुत प्यार है तुम सबको ना, कहो तो वो 10 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। अरे नहीं नहीं दद्दू, 10 लाख रुपए इनको तो दे दे। 10 लाख रुपए मैं अपने पे तत्ता तरूंगा, 5 लाख रुपए की पाती दूंगा और 5 लाख रुपए की आइसक्रीम दाऊंगा। 5 लाख की आइसक्रीम खाएगा तो सड़ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। अरे मैं ऐसा नमूना हूँ कि मुझे निमोनिया हो ही नहीं सकता, बल्कि आइसक्रीम मैं खाऊंगा और थलेंगे आप। मुलारी जी, दद्दू मुलारी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो प्यार कर रहे थे। अरे हम लोग पार्टी देंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, है ना दद्दू? अरे हम लोग बर्थडे मनाएंगे तो मीना आई दी, मीना मेरे लिए लेदर लेकर आई दी, गाना दाई दी, के ताते दी, और उसके बाद मीना मेले को पप्पी कर लेगी इधर। दिल क्या तले दबती थी तो तीती ते प्यार होदा। ए पगले, नीचे चलो। ऊती ऊती पगले, नीचे चलो, केक काटना है। अरे चाचू इतने तिलाते रहे हो, हाँ? अरे पालती मेरी है, तेत मैं ताटने वाला हूँ, थाने वाली है मीना, तुमको इतनी ततवाने की तल्ली क्यों पड़ी है? देख नहीं रहे मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने में इतनी देर लगती है? तुमको भी तो देर लगती है, 2-2 घंटा बैल कर अपने बाल ताले तरते रहते हो, आंखों में लेंटेट लगाते हो, दांत धोते लगाते हो, आधी चीजें नकली है तुम्हारे बॉडी में। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने एक दिन तब देख लिया था। हाँ नहीं तो क्या, अंदर की बात बताऊ? नहीं नहीं बेटा, नीचे चल, सब पार्टी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल पार्टी में। पार्टी में मीना आ गई? नहीं मीना नहीं आई। तो मीना के बगैर पालती पालती नहीं है। जब तक मीना नहीं आती चलो हम लोग बैठ कर टाइम पर तरते, मैं नया थवाल मालता हूं। नहीं, 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 नहीं। वो चींटी और हाथी को छोड़ के कोई भी सवाल पूछना मुझसे। अरे लेकिन मुरारी जी, मेरी जिंदगी तो तूती से शुरू होती है और हाथी पर खत्म हो जाती है। हाँ तो हाथी था और एक तीती। अरे देखो, ये पार्टी में जाने का मौका है, पहेलियां बुझाने का नहीं। तातू ये क्या है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू होते है क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू ये क्या है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू क्या कर रहा है? तातू एक्सीडेंट। तातू अभी तू चलता है या मैं एक्सीडेंट शुरू करूं? तेते वो क्या है? वो मैं तो पागल थोड़ी हूँ। अरे मेला सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। तेरी वजह से मेरे सारे स्क्रू ढीले हो गए हैं। अरे मुलाली जी एक बात बोलूं? यू आर ग्लेड, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो मतलब मैं दुनिया से बाहर हूँ। देखो दोस्तों, दो हाथी थे, हाँ, दोनों झील के एक पार खड़े हुए थे, झील के बीच में ना एक नाव थी, दोनों को इधर से उधर जाना था, तो बताओ कैसे जाएंगे? मेरे साथ से तैर के जाएंगे। अरे दोनों को तैरना ही नहीं आता है, वो हाथी उनसे तैरा ही नहीं जाता है। वो दोनों बोट में बैठ के चले जाएंगे। अरे बोट होती है, दोनों उसमें धूती नहीं तकते है तो दाएंगे तैरते। तो फिर बताओ ना कैसे जाएंगे? तो आप लोग बताओ ना कैसे जाएंगे? नहीं बता सकते। कोई नहीं मैं बताऊं। अरे दोनों जाएंगे नहीं, मरना तो लिया। दोनों ने कहानी होगी ना। चलो अभी एक काम करो, केक काट लो। ए धिंगुल तू बीच में बोल मत, तब तक मीना नहीं आएगी, मैं तेत नहीं था। मीना नहीं आएगी, उसके घर वालों ने उसको रोक के रखा है। अले उसके घर वाले लोग के यार, थाली दुनिया मिल के लोग के, मेली मीना दलूल आई थी। लो मीना आ गई। Oh, Meena, I'll tell you something. Mm-hmm. You are looking great. You're out of the world. Thank you, Raj. जानती हो मीना, यहाँ पे तब लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मेरा दिल बाल बाल ठीक ठीक के बोल रहा था कि तुम दलूल आओगी। ऐसा कभी हो सकता है राज कि तुम बोला और मैं ना आऊँ? अरे तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आओ तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। आओ 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 दद्दू, मीना आ गई। नमस्ते दादाजी। मीना इधर आओ। मीना ए जिंगुल बाजू में, कम कम मीना, तम 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 ये कम तक चली प्लेज। पागल कहीं का। कद्दू काट मृदंग बजाया, नींबू काट मजीला, तुलई साथ में ताली माले, झूम के गाए खीला। अरे खीला नहीं, खीरा रा रा। अरे वही तो बोल रहा हूँ, खीला। अच्छा तो बोल खीला। कलेले की, अरे करेले की, कलेले की हो गई सगाई, सकल कंद नाचने को चली आई। कलेले की हो गई सगाई, सकल कंद नाचने को चली आई। सकल कंद नाचने को चली आई।
सूलन गोभी तबला बन गए सूलन गोभी तबला बन गए लौकी बनी शहनाई सकल कंद नाचन को चली आई हा हा के बैठा प्याज से आलू उसको धूल से छेड़े कचालू अलबी ने बात बनाई कलेले की हो गई सगाई सकल कंद नाचन को चली आई अरे शकर कंद क्या नाचेगी मैं नाच के दिखाता हूँ दिल्ली मुंबई हो या भटिंडा हल कोई मांगे बैंगन टिंडा भिंडी तो सबको ही भाई कलेले की हो गई सगाई सकल कंद नाचन को चली आई सबका गले बुला हाल टमाटर पलवल ने प्रीत जगाई सकल कंद चली आई सूलन गोभी तबला बन गए सूलन गोभी तबला बन गए लौकी बनी सकल कंद सकल कंद सकल कंद नाचन को चली आई हा हा मैंने तुम्हें इस घर में पाँव रखने के लिए मना किया था ना अरे छाले छाप क्या कर रहे हो खुद मेरे घर में पाँव रखा हुआ है फिर मीना को क्यों मना कर रहे हो शट अप कम ऑन मीना अरे नहीं मीना तुम मत डालना देखो मीना को तुम लेकर नहीं जा सकते मैं तो तुमको इसलिए खुद नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थाली खुदाई एक तरफ और जोलू के भाई एक तरफ भैया नो छोड़ो नहीं जाओ नहीं जाओ मीना तुम इसके साथ नहीं मीना आई सेड कम ऑन मीना नहीं भैया तू जबरदस्ती लेके जा रहा है भैया नहीं शट अप एंड कम होम अरे कोई रोको इसको छोड़ दो मुझे छाप भैया दत्तू आप रोकते क्यों नहीं इसको जाने दे इसे मुरारी काका संभालो इसे मुझे मालूम था ये प्रॉब्लम होने वाली है इधर आओ देख लिया दुनिया की नजरों में तुम्हारी कितनी इज्जत है बड़ा मीना मीना रट लगा रखा था क्या हुआ उसका भाई आया और भरी महफिल से घसीट कर ले गया उसे और तुम कुछ नहीं कर सके तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की अरे किसी ने क्या तुम्हारे दद्दू तक ने तुम्हारी मदद नहीं की जानते हो क्यों क्योंकि इस घर में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता नोबडी लव्स यू सबके लिए तुम सिर्फ एक तकलीफ देने वाली बेकार सी चीज हो 24 घंटे आंखों में चुभने वाला कांटा अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझमें जरा सी भी आबरू और खुददारी होती
तो मैं अपने गले को पंखे से बांध कर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और खुददारी होती तो मैं अपने गले को पंखे से बांध कर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। क्या हो रहा है? है ये क्या हो रहा है? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। क्या बक रहा है तू? सच बोल रहा हूं, नोबली लव मी, नोबली। मीना भी आकर चली गई, उसको कितने लोगों ने की कोशिश नहीं की, आपने लोगों ने की कोशिश नहीं की, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तू मेरा पोता होकर इस तरह से बुजदिलों जैसी बातें कर रहा? नहीं मेरे बच्चे, आत्महत्या पाप है, गुनाह है। तू भगवान के नियम को तोड़ना चाहता है? नहीं तो? तू भगवान से मुकाबला करना चाहता है? नहीं तो? तू भगवान से बड़ा है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू। मैं 2 घंटे से मरने की ट्राई कर रहा हूँ, अपने गले में लत्ती बांध के पंखे थे, मैं 2 घंटे से इधर टक्कल काट रहा हूँ, मैं तोतला में मल क्यों नहीं लाऊं? अतवा मैं मरा नहीं, मैं मर जाता तो क्या होता? भगवान नाराज हो जाते ना मेरे बच्चे। कान खोल कर सुन ले, उसके प्यार का भूत अपने सर से उतार कर फेंक दे, वरना तेरा गला दबोच कर तुझे मार डालूंगा। बहुत जल्दी तेरी शादी हम वही करेंगे जहाँ हम चाहते हैं, समझी? हरी, आप आज में बहुत जल्दी। हाँ, हमें मालूम है कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन के बीच शादी का चक्कर कैसे चला लिया? अरे यार, कल मैं मम्मी डैडी के साथ डिनर कर रही थी, शायद वही लड़के के दादाजी ने मुझे देख लिया, पसंद कर लिया। मतलब रिश्ता 100% पक्का हो गया? नहीं नहीं, 1% बाकी है, आज जब वो मुझे देखेगा और मैं उससे। ओह नो, टायर तो पंक्चर है, अब मैं टाइम पे कैसे पहुंचूंगी? ओह वाओ, बड़ा काम। अरे गर्ल्स, अपना काम तो बन गया। You are an excellent businessman, Mr. Raj. Really want me to believe it. Thank you. यार, आपका ब्रेन तो कमाल का है। पिछली बार जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। एक मिनट। ये मेरी गाड़ी को लेके जा रही है। हेलो, हे, हेलो। हेलो। Excuse me. आप प्लीज इस गाड़ी से उतर जाइए। अरे क्यों उतरूं? तुमसे पूछकर चढ़ी थी क्या? देखिए, आपको चढ़ना है तो आप ट्रेन में चढ़िए, प्लेन में चढ़ जाइए, मिसाइल पे चढ़ जाइए, मगर इस गाड़ी से उतर जाइए। क्यों क्यों उतरूं? मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है? तुम क्या पुलिस ऑफिसर हो, CIA एजेंट हो, FBI एजेंट हो क्या तुम? आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप प्लीज गाड़ी से उतर। मुझे आपकी एक भी नहीं सुननी, आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे। आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी, और वैसे भी तुम्हारा मेरा कनेक्शन क्या है? कनेक्शन हाई, आपने जो एक्शन लिया उससे मुझे टेंशन हो गया है। आपको सेक्शन लग जाएगा, मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। व्हाट आर यू सेइंग? आई एम सेइंग दैट आई लाइक यू। व्हाट? I mean, I like your innocence. What do you mean? I mean, the way you're trying to portray your innocence. Are you trying to flirt with me? No, no, ways. Excuse me, gentlemen, hello? Please. Hello, I need to help here. This man is trying to flirt with me here. No, ways. Excuse me, gentlemen. She's lying. Hello. Don't listen. Hey! Hello! No! No! Mom, Dad, I'm on time. Dekho, main waqt par pahunch gayi. Aao, beti, aao. Wo log bhi aate hi honge. ये क्या हाल बना रखा है तूने? बाल सारे बिखरे हुए। वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई। फिर वही गड़बड़ ना। पर देखो माँ, मैं तो टाइम पर हूँ, यहाँ पर कोई आया नहीं है। अरे भाई, हम यहाँ हैं। आइए आइए ओब्राय साहब, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए, माय वाइफ अंजू। नमस्कार। नमस्कार राज के दादाजी। प्रणाम दादाजी। हमारी बेटी मीना। क्या संस्कार है भाई, दिल खुश हो गया। ये आपके लिए, हमने आपका शो देखा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। हमने अपने पोते के लिए आपको पसंद किया, आज सारी बातें फिक्स हो जाएगी। मगर आपका पोता है कहाँ? हेलो एवरीबॉडी, हम आ गए। ओह नो। अरे भाई तुम कौन हो? मैं राज। हमारा राज ऐसा फटा हुआ उजड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया है, टाइम टाइम की बात है। वो कैसे? क्या बताऊं, मैं घर से तो 1 पीस निकला था, मगर रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली जिसने मुझे पीस पीस के कट पीस कर दिया।
तुम तो कोई इंटरनेशनल फकीर लगते हो मुझे। आई नो लग तो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हिंदुस्तान के बहुत ही खाते पीते परिवार का चमच्चा हूँ दत्तू। दत्तू? तुम मेरे पोते राज राज ओबराय हो? यकीन आया तुम्हें अपनी दूसरी दुकान खोल के दिखाता हूँ दादा। अरे अरे बेटे तुम क्या सूट पहन का कुश्ती खेलने गए थे क्या? अरे क्या बताऊँ दत्तू, रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली, उसने मेरी वो हालत कर दी। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनिए, वहाँ पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, यहाँ पर मैं आपकी आधी नहीं सुनूंगा। नहीं वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो मैं अपना पता भूल गया और आपको पता नहीं था, वो लोग मेरा पता करने वाले थे पता है। चलो भाई बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और जान लिया, मजा आ गया। मजा आ गया? अरे जान जाने वाली थी तू जान। ओहो कोई बात नहीं, वो तो एक बात बताओ तुम इससे शादी करोगे? देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, जो कुछ भी आपको मिलने के चक्कर में हुआ वो क्या है ना कि वो मैं लेट हो रही थी ना इसलिए वो आपको सोचना चाहिए था ना, आप तो लेट हो रही थी, मेरे तो नाम के आगे लेट लग जाता ना। ओए खबरदार, अगर मरने का नाम लिया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। अरे भाई मजा आ गया, दादा और पोते का प्यार देख कर मरने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। Mi enamorado, tú eres mi amor, mi vida, mi alma.
अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी खलीश जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात कर। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है, जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। What do you mean? I mean I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी? थी? अब थी तो थी तो थी तो थी, उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ। एक दिन मैं चोकोबार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया, तो वहां चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से होगी। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की, और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको ताड़ से मेरे सीने से निकल गया। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहों में, मैं कोको की बाहों में, फिर कोको मेरी बाहों में, फिर मैं कोको की बाहों में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहों में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों? बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ तो जब आँख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था, उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए, और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की हो गई, हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस स्कीइंग कर रही थी, मैं भी आइस स्कीइंग कर रहा था। आइस स्कीइंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको, मैंने बचाया, मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला, लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ाया और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। वो मत पूछो। अरे तुम बार बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना, बैठो ना प्लीज प्लीज बैठो। या हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी, अस्पताल वहां से बहुत दूर था, मैं उसको कार में ले जा रहा था, ले ही जा रहा था कि अचानक अचानक मर गई होगी ना। मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बिचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया, सांसें भरता गया, भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मीना मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ओ यू गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना मीना कहाँ जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? और उसका एड्रेस तो सुन लो, कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको कोको। देखो मेरी गैर हाजिरी में बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ, मेरी मंगेतर रोड क्रॉस हो रही थी, बात मत करना। अरे मीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि वो मेरी कोको वाली बात उस दिन तुमको कुछ खास अच्छी नहीं लगी होगी ना। देखो राज, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, अब हर इंसान का अपना अपना अतीत होता ही है ना। क्या मतलब? तुम बैठो राज। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं तुम बैठ जाओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। मैं मतलब समझाती हूँ। सी राज, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब मैं कुछ क्यों छुपाऊँ? मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अतीत था? था अतीत था? अब राज था तो था तो था तो था ना, अब मैं था को थी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तुम टेंशन में क्यों आ गए? लाइफ है, जिंदगी होता है, चलता है। देखो आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अरे गोली मारो तुम्हारे अतीत को यार, पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था। पोपो। पोपो? ये पोपो कौन है? वो मत पूछो, बचपन से ही फ्लर्ट करने की आदत थी पोपो की।
वो क्या है ना, जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ मेरे पीछे पीछे चलाता था पोपो। एक दिन तो पोपो ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। एक दिन क्या है ना, मैं बारिश में भीगते हुए घर जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया पीछे पीछे। तुम्हें कैसे पता? बहुत ही घिसा पीटा फॉर्मूला है। एनीवे आगे बढ़ो। तो मैं बारिश में भीगते हुए जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया और फिर अचानक छाते के पीछे वो अपने होंठ मेरे होंठों के सामने ले आया और फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। अरे हा? तुम खड़े क्यों हो जाते हो? बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ कर बातें करेंगे, बैठो। अच्छा, वैसे मीना तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा ये पोपो जो है वो मेरी कोको को कुछ ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर रहा है? हाँ, वो बचपन से ही दीवाना था पोपो मेरा। तो ऐसे दीवाने को मुंह लगाने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने क्या मुंह लगाया, वो डैडी मुंह लगाए बैठे है ना। देखो यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे चलाया। यहाँ के पीछे पीछे चलाया? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, बताओ कि तुम के पीछे चलाया। अरे इतना पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ ना। वो क्या है ना, पोपो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्या मतलब हुआ कि शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, अरे अरे 100% पूछूंगा। गुस्सा क्यों हो रहे, मैं बता रही हूँ ना। क्या ना, एक दिन मैं नहा रही थी और पोपो है ना बाथरूम में घुस आया। एक गैर आदमी तुम्हारे बाथरूम में घुस गया और तुमने उसको एंटर करना दिया? उस टाइम वो गैर नहीं था ना। ओ माय गॉड, गैर आदमी बाथरूम में एंटर करता है और तुम उसको गैर नहीं मानती हो? हाँ, और ये सोचती हो कि आज के बाद मैं तुमको अपना मानूंगा? गो टू हेल। अरे तुम और तुम्हारा पापा दोनों जानू में जाओ। अरे राज, राज, राज तुम जा कर रहे हो? पोपो से मिलने जा रहे हो? अरे उसका एड्रेस तो लेते जाओ। पोपो स्ट्रीट, पोपो गली, फ्लैट नंबर पोपो। पोपो पोपो की पोपी आइन। हेलो, कौन तुम? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे राज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू गो टू योर ब्लडी पोपो। क्यों, तुम अपने कोको के पास जा रहे हो क्या? नो कोको नो पोपो। ओके चला। अरे कमाल है, तुमने कल इतना कोको कोको किया, मैंने कुछ कहा, आज मैंने थोड़ा सा पोपो पो किया तो तुम इतना चिढ़ गए। देखो मैं मजाक कर रहा था, मेरी लाइफ में कोई कोको नहीं है। ओके तो मेरी भी लाइफ में कोई पोपो नहीं है। तुम मेरी टांग खींच रही थी? देखो जिस तरह तुमने कोको को क्रिएट किया उस तरह उस कोको को क्लियर करने के लिए मुझे पोपो को क्रिएट करना पड़ा। एनीथिंग रॉन्ग? ओ मीना, तुमको पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मैं 180 की स्पीड से कार चला रहा हूँ। ओ माय डार्लिंग, प्लीज गुस्सा थूक दो। टेक अ यू टर्न एंड जस्ट कम बैक टू मी। ओके स्वीटहार्ट, आई एम टेकिंग अ यू टर्न। ओके ओब्राय साहब, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। एक बहुत बुरी खबर है, राज बच तो गया है लेकिन उसकी दिमागी हालत। क्या हुआ उसे? वो अपने बचपन में चला गया है। वैसे वो कुछ भूला तो नहीं लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जैसे कोई 8-10 साल के बच्चे का हो। ऑपरेशन करने से वो बच भी सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं राज की जान का रिस्क नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, उसके बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा मैं। ओब्राय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं लेकिन हम लड़के के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? चलो बेटे। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना, चलो ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते। नहीं, और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी, और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ
और हमेशा तुम ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलाली जी, ये तो दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या तलने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो, तो ही बात नहीं, तल कर लेना। ए थवाल मालूम, बस यही रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो, मारो। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों मिलकर थुमिंग कर लेते, लेकिन थुमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, तीती बाल नहीं आई। बोलो त्यू, मुझे नहीं मालूम। अरे बताना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? हार गए। मैं बताऊं? हाँ। अरे तीती बाहर इतने नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। चींटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही थी तीती को। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ ना, इतने कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूंगा, आज काम है तो कल करूंगा। सुनो ना, अरे थवाल मालूम, ये पैसे जरा गांव भेज दे तो जल्दी। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? आस्ते आस्ते, तेरे को क्या मालूम है? उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूटी मेरे कान में घुसी भी रहती, तू पैसे गांव भेजना। अरे मुरारी जी, तुम्हारी तोली पकड़ी नहीं, तुम दादाजी से तुपके तुपके अपने गाँव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब, मैं चोर हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम तोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम तोर ही हो। देख ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या तेरी वो हाथी और चूटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो तय है, चलो इसी बात पर आइसक्रीम से पैसे निकालो। पैसे आइसक्रीम थे? मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताई थे। क्यों? बाकी तब ताई थे, ऐसा ही है, अपने पैसे दो। ओ, भूल हो गई। ये ले यार। ओते, कितने पैसे तोरी किए? अरे भैया चला आइसक्रीम देना, एक पिंत वाली देना। वो रहा पागल, समझ गया ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या, मेरा आइसक्रीम खिला दिया? अच्छा एक येलो वाली देना, मेरे तुत्ते पैसे वापिस करना। तू जानबूझ कर मेला मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल तो पता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझ कर खिलाया। ए तू मेरी टॉपी तल रहा है, तू मेरी टॉपी तल रहा था? मैं कॉपी तोले ही कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेला भी आती है, मेला भी आती है। ए मैं एक धप्पल मारूंगा ना तेले को, तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गतल में जाकर मिल जाएगा, और गतल में बैठ जाएगा तो तेली मम्मी तेरे को ढूंढते लगेगी कि मेला पुतल गया किधर। तू मेले को मालेगा? मालूंगा मैं तेले को। मेरे दो दो हाथ है, मेले भी दद हाथ है। तेरे दद हाथ किधर है? ये देख, ये तो थोड़ी हाथ थोड़ी है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम्हें तो झगड़ा नहीं करूंगा, मेरे दद्दू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। ए इधर की गली क्या करता है, क्या कर रहा है? अरे बुला जी, मारा मारा मेरे को। मगर तू गुंडों की मुंह लगता कि मैं फेंक इसको, चल मेरा येलो आइसक्रीम एक मिनट। किसने मारा है पत्थर, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ओ मैडम, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, वो है ना वो किशन ओबेरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है, हमारे एरिया में भी दो चार बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाए? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबेरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं, और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबेरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें, या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। My heart is beating, keep on repeating, I am waiting for you. मुलाली जी, अगर थिमला पोते ही मेली मीना से थादी नहीं हुई ना तो। अरे यार तू पहुंच तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे पैर। ओते तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ। ठीक है तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेला सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है, दिल्ली जाकर दिल्ली आओ। माय हार्ट इज बीटिंग, मालूम है, कीप ऑनली बीटिंग,
My heart is beating, keep on repeating. I am very tally. मीना का बहाना बनाकर मैंने उसे चलने के लिए राजी तो कर लिया है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम उसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी, आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूं समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूँ। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसी। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसीलिए। अच्छा, किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले का कुत्ता। अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा, मैंने आगे नहीं पूछा। नहीं, वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या यार ये, क्या यार ये, देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार बनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसी शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुरारी जी, दादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने, उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों पर नारियल फोड़, और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जा रहे हैं चल। भाभी जी, मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालबद्री अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर, वो पैसे आपने विक्की बाबा को दे दिए। विक्की को 25 लाख रुपए? कब? सर कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विक्की बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे। विक्की को हमारे पास भेजो अभी फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबेरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकले? यस यस, सो व्हाट, हमारा बेटा जवान है। इसके भी खर्चे पानी हैं, और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर इसका भी हिस्सा है। यानी कि ये चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है। अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम, और अब तुम सबकी तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है, इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप खुद अपनी एक दुनिया बसाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। डैडा मेरी बात। आई सेड गेट आउट। आप साथी कर रहे हैं। जाइए हटिए, जाइए, ऐसा मत कहो ना, जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ,
तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है। हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है, रात में हाँ बोलते दिन में भूल जाते। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। असल में पगला है ना पगला, ये दौलत का भंडार है, है? मैं इसकी दौलत निकालना चाहता हूँ, नोटों की दीवार बनाना चाहता हूँ, उसमें नोटों की छत, नोटों की फर्श, नोटों के फर्नीचर, नोटों का चूल्हा, नोटों के बर्तन, नोट पकाएंगे, नोट खाएंगे और फिर इनका नोट चिपक जाएंगे। अबे अरे मुलानी दी, क्या तल रहे हो मुलानी दी? इतने भुलापे में लोमान तल रहे हो? अबे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए बेवकूफ। देवको बोल रहे मुझको, मैं भाभी जी को बता दूं, भाभी जी ये तुम में ना लोमांत कर ले डबल डबल। आप तो पता है डॉगल पाल के अंदर है ना, ये जब हमारा डबल मैन घुमाने जाते हैं वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी औरत आती है, वो अपने पमेलियन लेके आती है और ये उसके साथ थ्रेटिंग करते हैं। नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका स्क्रू ढीला है, ये पागल है। नहीं नहीं भाभी जी, मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। ये क्या कह रहा है? गलत बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ, एक बार तो क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना टक्कल चलाते हो, मेरी मीना तो क्यों नहीं बुलाते? अबे दो दिन में तेरी मीना आ जाएगी, मैं तेरी शादी भी पक्की करवा दूंगा। दो दिन में मेरी तू चिंता मत कर, तू जा, मेरे कबाड़ा कर दिया कम्बल। गया दया? अबे गया तो यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास क्या इतने पैसे? क्या हुआ जी? मेरे पैसे, ये क्या भीख मांग के पैसे रख दिए? मैंने? मेरे सारे पैसे मार दिए तूने? मैंने? देखिए ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं किसी और का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। हाँ मैं तैयार हूँ। क्या बोला? तू मेरी बीवी से शादी करेगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, वो जो छोकरा आपके यहाँ पर आया है ना, उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी शादी? तुझसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? उसने खुद ही कहा, उसने कहा मेरी शादी है, सबको आना पड़ेगा, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके हाथों में ढेर सारे नोटों की गड्डियां भी थी। गड्डियां? मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी वो कर रहा है, तू कैसे लूट गया, तू कैसे बर्बाद हो गया? चुप, तू खाली इतना बता, वो गया किस तरफ? कह रहा था कि बैंड मास्टर को एडवांस देने जाना है। बैंड मास्टर? मैं भी आता हूँ। गायब? हाय रब्बा, ये तो गए। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। अरे अरे नहीं, अरे तुक्कल, ए तुक्कल, अरे बाबा मेरे बहन की थाली थोड़ी हो रही है, मेरी थाली हो रही है। कोई उड़ता गीत बताओ, तब उलते गीत क्यों बता रहे हो? हाँ जी बताओ, अभी ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 ये 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 ओते ओते बोल दिया ना, ए ओते ओते, ये लो 20,000 रुपए आ जाओ। हाँ जी ठीक है, बाकी और भी बाद में दे दूंगा। मिठाई वाले की दुकान किधर है? मिठाई वाले की दुकान के लिए आप इधर से निकल जाइए। ओते ये क्या? ये तुम्हारा ओते ओते ओते। अरे सुना सुना, मैं कह रहा था बहन जी, बहन जी मैं भाई से हूँ। भाई है? ये कैसा भाई है? बचपन से गया है। बचपन से गया होगा, जान लो अपना क्या करने का। वो कहाँ गया जिसने तुमको ये दिया? ये गया है पढ़ने नंबर 1 को ढूंढने, और उसके बाद गांव के सारे गरीबों को पैसा बांटेगा। मेरे गांव में तो सब गरीब है, हजारों में कहाँ सबके घरों में झांकता फिरूंगा। बर्बाद करके रख दिया उसने मुझको, क्या मुश्किल है। अब मैं पूरा बर्बाद हो गया, तू थोड़ा सा बर्बाद नहीं होता? भूल दिया था अब तुत, याद नहीं अब तुत, हो इतनी बात न भूली दूलिया, आई लव यू। अरे मुलाली दी आ गए, अरे मैं पुलिस थाली की तैयारी करके आया हूँ। शादी शादी शादी, काय की शादी बे? सारा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया तूने, सारा मेरा पैसा धुएं में उड़ा दिया, जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी, मुझे कंगाल कर दिया तूने। अरे पैसे तो आप ही आ जाएंगे, लेकिन मीना तब आएगी। कौन सी मीना बे, कोई मीना मीना नहीं आने वाली, अपने दिल से मीना का ख्याल निकाल दे। लेकिन तुम तो बोले थे कि मीना। झूठ बोला था मैंने, अगर मैंने बोला था तो झूठ बोला था। मीना का पूरा परिवार तुझसे तेरे पागलपने से नफरत करता है, इसलिए जन्म में तो तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, नहीं हो सकती तेरी शादी। मेरी थाली मीना तो नहीं हो सकती, मेरी थाली मीना तो नहीं हो सकती, मीना।
हायरा ए जी सुनिए जी, मैंने हर जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिला, अपने कमरे में नहीं, मोहल्ले में नहीं। नहीं मिला? नहीं तो? तो कहाँ जा सकता है? मीना मुझे छोड़कर चली गई, मेरी मीना मुझे कभी इतने दिन हो गए उसको तलाश करते करते, पता नहीं कहाँ खो गया है वो। छोड़िए मुरारी भाई, आपके लिए वो था भी मुसीबत। अरे मुसीबत ठीक है, लेकिन यार वो मेरा बेरर चेक था, मेरी तिजोरी की चाबी थी, वो नहीं खोया, मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। और अगर ऊपर से सेठ जी ने आके पूछा कि वो कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा यार। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ दादाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए एक आखिरी बार प्लीज। डैड, आज से हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। हाँ दादाजी। डैड, हम लोग आपको आखिरी प्रणाम करने आए हैं। डैडी, हमारी गुड लक के लिए अपने हाथ से एक 50,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा है, तुम लोगों को एहसास तो हुआ, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तो हुई। दादाजी, एक आखिरी बार आपके साथ चाय पी सकते हैं? हाँ, वो भगवान जाने फिर आपके साथ कब मुलाकात। हाँ हाँ चार कप चाय भेजना। चार नहीं सर जी, पांच। आप कौन साहब हैं? दादाजी हमारे नए बिजनेस पार्टनर। डैड, इसी शरीफ आदमी के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। डैड, ये हमको ही नहीं आपको भी कहां से कहां पहुंचा देंगे, बड़ा दम है इनमें। साहब जी, बहुत जल्दी इन लोगों के पास उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी आज आपके पास है। वाह, आप करते क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप तो जानते ही हैं, यहाँ का माल वहाँ और वहाँ का माल यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चाय पीजिए। वो डैड, अगर आप बुरा नहीं माने, गुडलक के जरा 50,000 दे देते तो हम बाद में साथ में मिलकर चाय पी लेते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डैड। और देखो, भगवान ना करे अगर कल बिजनेस में कोई नुकसान हो, घाटा हो जाए, तो याद रखना मैं मरा नहीं। Fantastic, very good यार। ये क्या है? अपने दादा के चेकबुक पर जाली दस्तखत करते करते इसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इसने एक जाली सुसाइड नोट भी बना दिया। तो काम में देरी को जल्दी रखो, जल्दी। इसे नीचे फेंको। जी जल्दी। सुनो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो दवा तुमने इस बुड्ढे को दी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका कुछ पता नहीं चलेगा? चार्ल्स कच्चा खिलाड़ी नहीं है, यह दवा जो मैंने इसे पिलाई है वो अब तक तो उसके बॉडी में है, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के पहले उड़ जाएगी। रिपोर्ट आत्महत्या। अपनी रुख से जरा पर्दा जो हटाया हमने, चांद सा चेहरा जो महफिल को दिखाया की आंख झुक गई, झुक गई, झुक गई,
किसे के सांस रुक गई रुक गई रुक गई। किसी की आँख झुक गई किसी की सांस रुक गई कहीं चिलमन सरक गया किसी का दिल धड़क गया कहीं चिलमन सरक गया किसी का दिल धड़क गया। हम आ गए महफिल में आएगा अब मजा अब मजा अब मजा आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। वाले कभी हमारे मुकाबिल में आ नहीं सकते।
जाने मन ते आजमाई में मोचे आ जाएगी कलाई में सामने आओ जो दुल्हन बन के जान दे देंगे मुंह दिखाई में आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या 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 आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या ये तो क्या? हाय रब्बा, अब मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना। चल हट। आपने बीबी को नहीं संभाल सका, वो किसी और का हाथ पकड़कर चली गई और तू मुझ पर नजर रखता है? तो क्या हुआ? अरे हर दूसरा पति किसी ना किसी की पत्नी पे नजर रखता ही है। बोल, आते क्या खंडाला? हाँ। लोनावला। लोनावला। ये ले। अरे थप्पड़ कौन मारा? किसने मारा? अब 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 कुछ नहीं, वो पड़ोसी था, थप्पड़ खाकर चला गया। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहाँ गया? वो कव्वाल? कौन? अरे कव्वाल किधर गया? हाँ, वो हैदराबाद से आया था, हैदराबाद की ट्रेन पकड़ कर चला जाएगा। अरे बेवकूफ औरत, तूने उसको रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? अरे उसे रोककर मैं क्या उसका आचार डालती? अरे आचार नहीं डालती, दिमाग से विचार तो निकाल सकती थी। सोच, उस कव्वाल की शक्ल किस से मिलती जुलती है? किस से? सोच सोच। वो तो हुबहू अपने पागल जैसा दिखता है। उस कव्वाल को मैं वो पागल बनाकर ओबेरा खानदान में ले जाऊंगा और कहूंगा ये रहा तुम्हारा वारिस और उसके नाम पे मैं करोड़ों कमाऊंगा, अरबों कमाऊंगा, नोटों का ढेर लगा दूंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। हाय राम, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं हूं ना। तो मैं भी हूं ना। हाँ। मैं फिर भी हूं ना। भाई साहब, आपने हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में कव्वाल बन्ने खान को देखा? बन्ने खान तो मेरा भी नाम है। मैंने गद्दे खान नहीं बन्ने खान कहा है। वही तो बोल रहा हूँ मैं। आदाब। आदाब। मलगा आदाब। आदाब। ये क्या कर रही तुम्हें? क्या कर रहे तुम इधर? देख नहीं रहे, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। पांच बच्चे पैदा करके मेरे को ना पास कर दिए, इनू टाइम पास कर रहे, पिछुआ मेरे। काम खींच रहे मेरी क्या? जाओ तुम लोग, क्या जोक सुनने के लिए मेरे पास आ जाते सब लोग। कसम से बोल रहा हूँ, एक बार शादी करके बच्चा पैदा हो गया ना, मर्द का टाइम पास नहीं होता। देखो क्या कर रहा भाई। गौर फरमाइए, आपके इन बच्चों के लिए भजिया खरीदा था क्या? अरे अंधी कंडील के टूटे हुए मीनार, तेरी अखियों की बत्तियों में तेल खलास हुए क्या? किधर को भी हाथ डाल रहा तू? अरे उबलते हुए चावल के ठंडे जाग वाले पानी, बुढ़ापे में उड़िया मारे क्या? अरे झूलती कमर देख, शर्म का मटका पकड़, इज्जत की हंडिया पकड़। अरे ऐसी अखियां फाड़ फाड़ के क्या देख रहा तू मेरे को? तो उंगली डाल को तेरी अखियों की गोटी निकालते गोटी खेलती मैं, मेरे पांच बच्चे तेरी अखियों से गोटी खेलते, पांच बच्चे वाले में हाथ डाला तू? तेरे को तो नोज डालती मैं, कपड़े फाड़ डालती, तेरे को अंडरवेयर बनियान बना डालती। क्या हो गया बेगम? क्या हो गया? क्या किया तुमने मेरे बेगम पे? हाथ डाले क्या? अरे गवर्नमेंट इन पे हाथ डालने को डरती, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे इन पे हाथ डाल के भाई पछता रहा, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे डांटने वाली बात पे डांट रहा ना मैं? आप मुझको डांट रहे हैं? और नहीं तो क्या, चाट रहा क्या? लग नहीं रहा था कि डांट रहे हैं। अच्छा मुझे भी आपको डांटना है। डांटना? नहीं माफ करना, आपसे थोड़ी बात करनी है। बात करनी तो जल्दी बात कर तू मुझसे। मेरे मुंह मत लगना, मैं तो जुबान निकालता उसको लंबा करता, उसके अंदर गांठ मारता, काट के साइड में रखता, तेरी बोलती बंद करता मैं। अच्छा समझ में नहीं है। नहीं ये डिजाइन अच्छी नहीं है, मतलब जगह अच्छी नहीं है, अपन डब्बे में बैठ के बात करते हैं। मैं क्या किया? ओके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन मेरी शक्ल का दूसरा आदमी, वो भी करोड़पति। आहा, वैसे भी कव्वाली गागा को मेरा लड़ा फट गया है। देखो मेरे को ये डील मंजूर है, लेकिन मेरे को 4 घंटे के 50,000 रुपए मिलते तो मैं ये काम करता। 4 घंटे के 50,000 देते तो हम लोग चलते। चाचा आप ठहरेंगे जरा? मेरे को चाचा बोल रहा, मैं चाचा दिख रहा। अरे इनको क्या तकलीफ है यार? अरे कुछ नहीं, मेरे पीछे कव्वाली गागा को मेरे पीछे आवाज लगाने की आदत पड़ गई इसको। तो हम लोग कव्वाली थोड़ी गा रहे हैं। ए तू चुप कर रहे, चढ़ता असुर है धीरे। चुप कर रहे, जा रहा हूं। कहां जाएगी? हैदराबाद जाती, आती क्या? स्टूपिड स्टूपिड, कुछ नहीं टाइम पास करना बेगम, भड़को उनको। पहले मेरी सुनो, मैं आपको 4 घंटे का 50,000 नहीं दूंगा, दिन भर का 50,000 रुपया दूंगा, मंजूर है? मेरे को मंजूर है। अभी मेरी बाकी बातें जो है मेरी जोरू के साथ कर लो, मैं जरा बच्चों को देख कर आता हूँ, कहीं स्टेशन पे खो तो नहीं गए, 2-4 लोगों को पता। तो मैं दिन का 50,000 रुपया दूंगा, मगर इसकी 2 शर्तें। सबसे पहली शर्त ये कि इनको अपनी मूंछ निकालनी पड़ेगी। नाकू नाकू, ये क्या बोल रहा तू? ये मूंछ हाँ देख को तो शादी की है, ये मूंछ हाँ निकालने को 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा ली थी। अच्छा चलो दिया, 1,00,000 रुपया दिया, मगर शर्त दूसरी, तुम वहाँ नहीं आ सकती। काइको? क्योंकि जिस लड़के की एक्टिंग करने जा रहा है उसकी बीवी नहीं है, खाली महबूबा है, इसलिए। अयो पोटी, ये पोटी देखो तो फिसल जाता, मैं अपने मियाँ को खोटी से बांध के रखती, मैं ही नहीं जाने देती हूँ। अच्छा एक शर्त पे लेके जाऊंगा। क्या? तुम वहाँ उसकी बीवी नहीं नर्स बनकर आ सकती हो, बोलो मंजूर है? मैं वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। चुप रे चमचे, किधर है ना? इनो किधर गई? चढ़ता सूरज धीरे धीरे। ओ चाचा सर दुख रहा है, बस करो ना यार। ये किधर को गई इनो? आदाब आदाब, मरेगा एक बार फिर से आवाज। और ये पोटी को नहीं, पूरे लेडीज कंपार्टमेंट को पटा रही। बच्चों को तो ना कुछ सिखा टाइम पास करना। अभी क्या बोलना, मच्छी के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता क्या? क्या रहे तुम लोग मेरी कॉपी करते हैं? जवान होने का डैड गए। अरे दादू तुम क्यों मर गए? तुम्हारी जगह मैं क्यों नहीं मर गया? अरे क्या कर रहे हो दादू? मेले देख के तुम्हारे तुम्हारे मुझे रोने दो। दादू सही जा रहे बच्चे, इनो बोले तो एक्टिंग का बादशाह ना। आस्ते आस्ते लोग देख रहे, क्या कर रहे तुम्हें? दादू आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किन बदमाशों के थारे छोड़ के चले गए? अरे गधे को दापरान की क्या थमत, अगर हम नहीं आते तो थारा का थारा दापरान गधे खा जाते, अजगर की तरह पूरी प्रॉपर्टी निगल जाते। दद्दू अब हम आ गए, अब ये थाली प्रॉपर्टी अजगर की तरह हम निगल जाएंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। अब आप चले गए, हम कितके थाले दिएंगे, कौन कलेगा हमको प्यार? दद्दू कौन कलेगा हमको प्यार? मैं हूं ना राज। अले अगर हमारे दद्दू होते तो मैं प्यार से गले लगा लेते, लेकिन अब हमें दले तो न दादा। मैं हूं ना मीना। मीना अब तुम्हारे दिमाग मुझे दुनिया में नहीं है दीना। ओ राज। मीना दद्दू ने आत्महत्या कर ली, अगर अगर मैं होता ना तो उनको आत्महत्या कभी तलने नहीं देता। रो मत राज, मैं हूँ ना। अरे तुम नहीं हो, अभी सिर्फ तुम ही हो और कोई भी नहीं है। पोटी मिला, ऐसा पकड़ के चकड़ा पोटी को जैसे छोड़ेगा ही नहीं। पैसा हो ना तो ये पकड़ा पकड़ी का आइटम थोड़ा करना पड़ेगा। इतना लंबा आइटम ऐसा चिपका जैसा इंजन को डब्बा चिपक जाता। सिटी मारू क्या? तू सिटी मारेंगे तो हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएंगी और तू जेल में जाएंगी। मारती सिटी क्या? मीना मेरी तबियत खराब हो रही है, मैं एक मिनट दवाई खा के आता हूँ। नाच 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 दवाई दे दो। क्या साइड में ड्रामा कर रही तू? ये क्या कर रही तुम? एक दो के अकाउंट के नीचे क्या कर रही हो? क्या मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो ये पैसा काट लेंगे ना मुरारी? पैसा काट लेता मैं। तुम इधर एक मिनट साइड में आओ, साइड में। तू कहाँ जा रहा? तुम्हें पैसा काट लेते ना, मैं दांत भी काट लेता तो नहीं जाता मैं। क्या घपला कर रहे तुम्हें, क्या कर रहे तुम्हें? अभी ज्यादा गड़बड़ किए ना तो तुम्हारा भांडा फोड़ देती मैं। क्या भांडा फोड़ती रे, मैं एक्टिंग करा रहे। ज्यादा ओवर टाइम कर रही तुम्हें? ओवर टाइम नहीं रे, मैं टाइम पास करा रहे। क्या कर रही तू? बहुत अच्छी दवाई थी तुम्हारी, बहुत अच्छी दवाई थी। मीना मेली मीना मीना मोटी मिले। मीना आते बात तुम मेरा ध्यान रखने के लिए गल में लो जाना। जरूर आऊंगी राज। ओके थैंक यू। और आज मैं अपने दादाजी की तेलियों के ऊपर अनाउंस करता हूँ,
कि मेरे बड़े चाचा जी अपनी प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ रुपया गरीब लोगों को बांट देंगे और मेरे छोटे चाचा जी बगैर चप्पल पहने घर घर में जाके लोगों की थमा तिवा करेंगे और मेरी दोनों चाचियां सुभान अल्लाह मेरा मतलब है कि मेरी चाचियां कितनी अच्छी है मेरी बड़ी चाची तो है अपने थारे देवर गरीब औरतों के अंदर विधवा औरतों के अंदर बांट देंगी और मेरी छोटी चाची ऐसा नहीं करेगी वो सिर्फ 2000 रुपए के देवर गरीब औरतों में बांट देगी है ना ये लो कही आते लिए इतना ही काफी था अभी मैं बहुत थक गया हूँ मैं अपने बेडरूम में जाके आराम करना चाहता हूँ ताता जी मेरा बेडरूम इधर है ऊपर है अरे मेरे को मालूम है मैं तो मजाक कर रहा था नीचे मालूम है ना वो धिंगुल का है अरे वो धिंगुल किधर है ये आवाज किसकी अरे धिंगुल अरे पीते के लाला इधर 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 आ गया अरे तूने दादाजी के तेरवी पे दारू पी ली हुई है अरे हाँ तेली तो दादाजी से बनती ही नहीं थी अरे तेरा बताता था तू दादाजी का मदर कर लेता था मदर ए नर्स अरे चलो मेरे को बोला इधर है तू इधर आ इधर आ बैठ 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 तेरे को मना किया था ना किस पागल को इधर लेकर मत आ मैंने तो तुमको शिमला से फोन करके बोला था कि इस पागल के खर्चे 50,000 रुपए भेजो तुमने कहा दादा मर गया तो पोता भी मेरे लिए मर गया अब मरो ठीक है हम तुझे 50,000 नहीं 60,000 रुपया देते हैं इस पागल को लेकर जा अभी और इसी वक्त हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अब मैं नहीं जाने वाला क्यों नहीं जाने वाला अच्छा तुझे 60,000 रुपया दे रहे हैं ना प्रॉपर्टी 500 करोड़ की मेरे को 60,000 का चूना लगा रहे हो अच्छा वो टाइम गया अब राजू मेरा पपलू है जैसे बोलूंगा वैसे करेगा अब वो वारिस बनेगा और उस लावारिस का मैं वारिस बनूंगा वो राजा बनेगा और मैं वजीर और तुम सब कटोरा लेके फकीर मतलब कि तू यहाँ से जाने वाला नहीं है हा? नहीं जाऊंगा मगर 60,000 लेके नहीं 60 करोड़ लेकर हे मुरारी 60 करोड़ तो क्या तुझे 8 कौड़ी तक नहीं मिलेगी अच्छा? देख अब मैं क्या करता हूँ जो कुछ करना सामने आके करो वाह माशाल्लाह क्या मुखड़ा है तुझसे मिलने को जाना तड़पते हैं तुझसे मिलने को आगे आगे तड़पते हैं हम तड़पते हैं तुझसे तुझसे क्या है पागल हो गया हौला हो गया क्या कितना तड़प रहा इतने में तो जाकू मिल हुआ था तो क्या करना उस्ताद तुझसे मिलने को जाना तड़पते हैं इतना तड़प रहा तू धुन चेंज करता हूँ चेंज करना उस्ताद हाँ देख दूसरी टून सुनाना उस्ताद हम जब तुम मारोगे ना तो उसकी चीखने की आवाजें यहाँ तक मुझे सुनाई देनी चाहिए नो प्रॉब्लम बॉस हम बेवफा हुए क्या वफा मैं कमी अबे बंद कर तेरी कव्वाली और भंगड़ा अरे अरे अबे तोलो तुम लोग अबे ये तो वही है जिसको हमने किडनैप किया था और इसने हाथी और चींटी की कहानी सुना सुना के हमको सड़ा दिया था ये आइसक्रीम भी खाया था अबे लेकिन तुम लोग इधर कितने आए हो कौन हो तुमको मारने आए हैं हमको मारने के लिए किस शरीफ ने तुमको भेजा है मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं क्यों बताऊं कि मुझे उस आदमी ने भेजा है तुमको मारने और इतना मारने कि तुम्हारी चीखों की आवाज वहां तक जाए और याद रखो मैं तुमको ये भी नहीं बताऊंगा कि वो तुम्हारा भाई है तू इन्हें जानता नहीं तू पहचानता नहीं ये वो शख्सियत है अब तेरी मैयत है ये कौन है अरे पहचाना नहीं तुझसे एक मिनट पहले बोल के रखता हूँ मेरे को दमाए मेरे को टीबी है इसके बाप को कैंसर था अबे अगर इतने तबके तब बीमार हो तो गुंडागर्दी का काम क्यों करते हो उल्लू के पत्तों अबे काम करो ये शरीर तुमको भेजा है ना मारने के लिए उसकी तीखी आवाज हमको सुनाई देनी चाहिए ओके सर वरना ये तो ना मेरा छोटा भाई इसकी एक लंबी तीख तुमको सुनाई देगी एक तो पकड़ ले सगा भाई है तू कुर्बानी दे दे मुझे छोड़ दे हेलो हेलो अबे ऊंच बच्चे बैठ बैठ के ले जा तो वाले तूने था हाँ तूने था ना अब तो तुन्नी पलेगी तेरे बाप पूरी उस्ताद इसको राग भैरव सुनाते हैं ओके बुआ अरे भाई मैंने पैसे दिए ये क्या ये क्या नहीं है ये मेरा बेटा है ऐसा बेटा पहले तो नहीं था लगता किसी ने कुत्ते की तरह मारा है नहीं नहीं किसी ने नहीं मारा बेचारा गिर गया था अच्छा अच्छा हाँ 24 घंटे दारू पिएगा तो गिरेगा ना एक दिन गिर के मर जाएगा मुरारी अपने औकात में रहो मैं तो औकात में मुझसे औकात है वो कितनी खराब हो रही है मेरा बच्चा दर्द से करा रहा है और ये उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहा है मैं नमक नहीं छिड़क रहा हूँ मेरी मीठी बातें अगर नमकीन लग रही है तो इनकी बदकिस्मती है चुप करो
उस पागल का ख्याल रख सकते हो। ये भी पागल हो जाएगा तो फिर इसका भी ख्याल रखूंगा। मुरारी मुलायदा होथिया हम रुके। खवातीनो हजरत आन इस इनके आए बहार, जान इस इनके जाए बहार। जरा बाहर जाएंगे प्लीज। अले 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 मेरे भैया का क्या हाल हो गया है? इतनी बुरी तरीके से इनको कितने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? अरे किसने मारा? एक तो मेरे बेटे की जान जा रही है, ऊपर से आप लोग कवाली गा रहे हैं, नाच रहे कूद रहे। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब लोग लाश ले जाते हैं तो नाचते हुए गाते हुए ले जाते हैं। मेरा बेटा भी मरा नहीं है। टाइम कितना लगने वाला है? अरे दुख तो बोला मुलाली जी, ऐसा मत बोला, मेरा भाई है कोई बात नहीं। अभी फिलहाल मुर्दे की तरह पला हुआ है तो क्या हो गया, लेकिन हम इसको ऐसी मलम लगाएंगे कि मलम लगाते ये पूरे हवेली के अंदर घोड़े की तरह भागेंगे। अरे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो। जल्दी से मलम निकालो और इनको लगाओ ना अपने प्याले प्याले हाथों से। सिस्टर अरे सिस्टर तेरी होगी, मेरे लिए तो नल थे माताला। हाथ उठा ले, डाले हाथ उठा ले, पीठ पे लगा ले, पीठ पे लगा के मल 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 डला था, ऑल डला था, मल डला था, मल 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 डला था, ऑल डला था। अरे बेटे बेटे तूने क्या लगाया इसको, क्या लगाया इसको? मिर्ची लगाया, मिर्ची लगाया, मिर्ची लगाया, क्या हो रहा है? अरे मिर्ची लगाया, मिर्ची लगाया। अरे तू तो रास्ते पे नहीं जा रहा था, तू तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। चुप, ये लो 25 लाख और पूरे 75 लाख हो गए। अरे नहीं नहीं, मैं पूरी हवेली था मालिक, तू मुलाली था हवेली था मालिक, थोड़े और बचा और बुलाइए और। हक है, हक है, हक है, गौर फरमाइए, पैसे थोड़े और बढ़ाइए। खामोश, 25 लाख और दे रहा हूँ, 1 करोड़ हो गए, इसे 1 पैसा ऊपर नहीं। अरे नहीं, 1 करोड़ से कम है मोटू काका, तुम थोड़ा सा बनाओ ना, नहीं तो मैं तुम्हारे टतले पे मारूंगा। भाई साहब, मोटू काका ये उस्ताद हैं, ये कान के नीचे बजाएंगे, जोर से मारते हैं, लाफे मारते हैं, बहुत डेंजर आदमी है, इनकी बात सुनिए। उस्ताद कंपनी बोला, अरे ऑल बलाइए, अरे बार बार कवाली क्यों गा रहा है? ये शिमला में कव्वाल के पड़ोस में रहते थे, नाली में गिर के बाहर निकले तो कव्वाली गाना शुरू कर दिया। ये पहले तो ऐसा नहीं था। अले ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो दुलू से रहता हूँ। चलो तेरा टाइम पूरा हो गया, निकल यहाँ से। चल झिंगूल, मेरी कॉलर छोड़ दे। अरे कॉलर वाले छोड़ दे, चुप करो, बहुत हो गया गाना बजाना। ए तू मेरी बात सुन, मेरे को थवाल का जवाब दे, मैं तुझ पे नया थवाल मालता हूँ। दे एक हाथी था और एक चीटी, दोनों आपस में। चुप करो, तुम्हारा हाथी चीटी, आई एम फेड अप ऑफ योर हाथी चीटी। वकील साहब, दादाजी की वसीयत सुनाइए ने। इस वसीयत में कृष्णा जी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक मिनट, क्या था तब लिखा है जरा बताओ मेरे, तो मैं भी जरा देखूं क्या। मैं कृष्णा ओबेरॉय अपनी सारी दौलत जायदाद, अपना सारा बिजनेस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपना सारा बैंक बैलेंस, अपने मकान की एक एक चीज, पूरे होशो हवास में अपनी खुशी और अपनी मर्जी से अपने पोते विकी ओबेरॉय के नाम लिखता हूँ। वकील साहब, आप नाम पढ़ने में लगता कुछ गलती कर रहे हैं, फिर से पढ़िए। चल फुटिया से, और इस पागल को भी साथ में ले जा। कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ से आया था। वो तो बहुत दूर जगह है, गाड़ी भाड़े का पैसा तो दो। पैदल चले जाओ। पैदल इतनी दूर? सोच के पैर में दर्द होने लगता है। अच्छा, इसको पालने के तो पैसे दो। अरे भीख मांग लो ना। भीख मांगना आती नहीं, आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। अरे भीख मांगने में क्या बड़ी बात है, कहीं भी रास्ते में खड़े होके माई 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 करते रहो, इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ पेश करो। तू मुझे भीख दे रहा है? नहीं, आप बड़ा अच्छा करते, ये धंधा कीजिए। चल फुटिया से, इडियट। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ ऐसे हम निकलो यहाँ से। मैं प्यास से निकला। अरे क्या कर रही? लो ये भी निकले, सभी निकले। मार खाएगा बेआबरू होके निकले, सारा कबाड़ा कर दिया ना। क्या कबाड़ा किया मैं? क्या कबाड़ा किया? अच्छा खासा 50 लाख रुपए मिला था। और लाओ, और लाओ। ये बेइंसाफी है, ये नाकाबिले माफी है। अबे इतना काफी है। अरे अच्छा, चांस मिस किए तुम्हें। भाई कौन सा चांस मिस किया, क्या बात कर रही? इस घर में जवान पोटा ना तो क्या हाथ पकड़ के भागती उसका क्या? तो अब्बा माटी मिले बावले हुए क्या? जवान पोटे की शादी होती ना, शादी में कवाली गाते। ये तो हम ऐसे ऐसे नोटा उड़ाएंगे। मैं जाके बात कर क्या था, तुम्हें आते क्या? अबे तू अंदर जाएगा,
जेल भिजवाएगा क्या हम लोगों को? उनको अगर पता चलेगा कि तू असली नहीं है, कव्वाल है, राज नहीं है, तो मेरे को जेल नहीं हो जाएगी? तो तुम्हें जेल में जाएंगे, हमको क्या? हमको तो पैसा कमाने से मतलब। अच्छा बेटा, एक तो पैसा भी गवाया, ऊपर से पोटी का चांस भी गवाया। देखो पोटी, पोटी ये कौन है पोटी? अरे कौन क्या, नाम मतलब उसका ना, नाम लिए तो आग में अंगारा उठते मेरे। मीना हाँ हाँ, मरेगी नहीं, मरेगी नहीं, क्या लंबी उम्र है इसकी, नाम लिया और आ गई मीना। करेक्ट। ले गई दिल इनका मंचली, खली वाली खली वाली खली वाली के पूरा गाएगा मीना मीना। मैंने कहा आदा। अरे राज, तुम्हें ये क्या हो गया? अरे मैं क्या बताऊँ मीना, मेरा दिलो दिमाग ठीक नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे घर वालों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो ही बात नहीं, दौलत नहीं तो क्या हुआ, प्याल तो है ना। Of course, राज, चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं देखती हूँ तुम इस घर से कौन बाहर निकालता है। चलो औरते। आओ राज, अंदर आओ, देखती हूँ तुम इस घर से अब कौन बाहर निकालता है। पर्वतों से आज ये टकरा गए, आपने दी आवाज और ये आ गए। अबे मौका देख के गाया कर, ऐसा झापड़ मारूंगा कि कव्वाल के साथ। ए, बंद करो ये नाच गाना। ए लड़की, किसकी इजाजत से यहाँ पर आई है? अब कानूनी तौर से घर हमारा है। गेट आउट फ्रॉम हियर। हक और संबंध का तो फैसला तब होगा जब दादाजी की असली वसीयत पढ़ी जाएगी। आइए बंसल जी, अब दादाजी की असली वसीयत एडवोकेट बंसल पढ़ेंगे, जो उन्होंने मेरे पास छोड़ी थी। बाजी पलट गई जोरू। हाँ, मौका मिलते ही माल लपेट को निकल जाते हैं। और नहीं तो क्या, यहाँ पर कितने लफड़े निकल रहे हैं। बड़े लफड़े हैं, बड़े झगड़े हैं। अरे ओ स्पीकर बंद कर, क्या कर रहा? मैं कृष्णा ओबेरॉय अपने पूरे होश और हवास में ये विल बना रहा हूँ। मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद, तमाम फैक्ट्रीज अपने पोते राज ओबेरॉय के नाम करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंगला जिसमें मेरा पूरा परिवार रहता है, भाई साहब ये किसी कारण से अगर मेरा पोता ना चाहे, उसे कोई तकलीफ हो, तो वो सारी फैमिली को इस बंगले से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि इस बंगले का भी असली वारिस मेरे मरने के बाद सिर्फ मेरा पोता राज ओबेरॉय है। देखा ताता ताती, तानी में ट्विस्ट आ गया ना, ट्विस्ट। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम लोग की तरह हलामी नहीं हूँ, मैं तुम लोग का बंगले से बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन अगर घर के अंदर रहना है तो ताम तो तलना ही पड़ेगा ना। काम काम तो तलना ही पड़ेगा। शाबाश। तो ये जो बले ताता है, ये बले ताता खिड़की थाप करेंगे, और ये थोते ताता ये पर्दे थाप तरेंगे, और ये दो हमारी तातिया ये थुंदर थुंदर तातिया ये दोनों कलते धारू फटका और पोता मालेंगे, और ये झिंगुल ये झुंगुल भी काम करेगा। क्या करेगा? अरे कोई तू बता ना क्या करेगा, क्या करेगा? अरे तो ही तो बताओ। फुट पॉलिश करेगा। हंसे हंसे। अरे हमारे मुलाली जी, अपने मुलाली जी मालिक। हाँ मालिक के खाद, बहुत ज्यादा खाद, वॉचमैन बनेंगे। और मीना वॉचमैन। हो मेरी मीना, मेरी दान, मैं क्या बताऊँ, तुमने मेरी दान बता ली, तुमने मेरा हक मुझको दिला दिया। ओ, ओ, बहुत बहुत तुतलिया 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 मीना मीना कमीना। मीना इतने तू ता ना, मैंने नहीं सुना। नहीं ना। ए हैदरा बादल, ए खले खले मेरा मुंह का देख लिए, दा दा के पानी ले क्या दा दा। हाँ तो मीना मैं ता था, हाँ मैं तहरा था, मैं तुम्हारी थान में एक थेर करना चाहता हूँ। बोलू थबक वफा का सिखाया विदा नहीं थकता, जो सीख लो तो भुलाया विदा नहीं थकता, यह हंसी दर्द दिल में छुपाया विदा नहीं थकता, और कोई पूछे तो बताया विदा नहीं थकता। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? एक और गिलास दे दी पानी का, उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक गिलास काफी था। अरे तुम पानी गिलाओ या आत्मान गिलाओ, लेकिन मेरी मीना ने मेरे दिल पर जो गिलाया ना, उसका पूतो मत। अरे मेरे दिल पे मोहब्बत की बितलिया गिराई है बितलिया। मीना आई विल टेल यू समथिंग, मीना यू आर ग्लेट, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है। बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, इनकी गर्दन काट को कुंडी बना को फूलों को सजाई, माई बहू हैदराबाद की नहीं। हैदराबाद में
एक्चुअली तरक्की बहुत की है। खूबसूरत हसी ओ मेरी जोर जमी, आशिक के दिला को तड़पाती आई, रुक जा रुक जा, कहां जाती है कहां जाती है। पटाऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू, मैं पट्टी पटाऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू, रूठी हम मनाऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू, मेरे दिल को चुराया है मुझे आशिक बनाया, मगर हल्लू 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 हल्लू, रूठी हम मनाऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू। रेशम से भी ज्यादा लगती महीन जोड़ी अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने बनाई कितनी हसीन जोड़ी, वो प्यार में कहां जो तकरार में मजा है, इकरार में कहां जो इनकार में मजा है, मजा है मजा है, हाँ मजा है वाह मजा है, या जाओ इस पे लुटाऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू, रूठी है मनाऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू। कर देता क्या समझाए कोई कैसे नादा, मेरे शोहर को आता है लेट घर को, आता है लेट घर को, ये टाइम पास कर को, मैं इसको चाहती हूँ, मेरी यही खता है, बीबी की बेखरारी इसको नहीं पता है, पता है नहीं पता, हल्लू 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 हल्लू, मैं जलवा दिखाऊंगी मगर हल्लू 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 हल्लू, मैं दिल को चुराया है मुझे आशिक बनाया है, मेरे दिल को चुराया है है आशिक बनाया है, लोगों को बताऊंगा मगर हल्लू 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 हल्लू, अजी हल्लू हल्लू हल्लो हल्लो वावा हल्लो हल्लो। अरे गजरे की लड़ी ओ मेरी फुलझड़ी, सुन तो पारा में घुमाऊंगा तुझे सहरा कराऊंगा, मैं सिंधवा भी दिखाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा मगर 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 मगर, हल्लो 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 जी हल्लो हल्लो वावा। Hello, hello.
मैंने सारी जिंदगी में इतना काम नहीं किया होगा। डैडी 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 मैंने सारा काम कर दिया, पता है मैंने नौकरों के बाथरूम भी साफ कर दिए और साफ करते करते मैं वाकई में झिंगूर बन गया। क्या बेटा है मेरा, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे बहुत बड़ा मेडल हासिल करके आया हो। हाँ तो अब क्या करूं? बेटा जूते पॉलिश कर दिए? वो तो कल ही कर लिए, फिर से करूं? सही धंधे पे आ गया तू। हाँ तो अब क्या करूं? बोले कुछ मत कर, तेरा बाप बहुत थक गया है, उसके जरा पाउंड दबा दे। जी पिताजी। मैं तो लूट लिया मिलते उतने वालों ने, तले तले डालों ने, दोले तले डालों ने। ये क्या कर रहा है? इतनी मुश्किल से साफ किया, दोबारा गंदा कर दिया। ए, मैं घर का मालिक हूँ, गंदा करना मेरा काम है, थाप करना तेरा काम है। अगर तूने थाप नहीं किया ना तो मैं तेले को थाप कर दूंगा। पिताजी मैं साफ कर दूँ? तू पहले मुझको बता, तूने तो बसे दाता दाम किया? तो बसे मैंने तो बसे बाथरूम धोया, मैंने जुमल साफ किया, मैंने बूट पॉलिश। तू मेरी टॉपी कर रहा है? मैं तुम्हारी टॉपी नहीं कर रहा हूँ झिंगूल। तू मेरे को झिंगूल बोल रहा है? ये मेरे को झिंगूल बोल रहा है? तू तुल रहा है? कमबख्त, तू इन्हें जानता नहीं, ये इस घर का वारिस है, इस घर का मालिक है, यहाँ का उस्ताद है, ये तेरा अन्नदाता है, ये जो कहेगा वो तू करेगा, नहीं करेगा तो पछताएगा, ये बर्फ की सिल्ली पर लिटाएगा, तू बड़ा ही पछताएगा झिंगूर। हक है, हक है, हक है। ए, ये तो तिली टोपी भी तल रहा यार, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बादल तो नहीं हो जाए? तले तू तान तक तू अंदर दादा तू दा ओते। अरे अरे हा? मैं देखता हूँ इसको। दया काम थे सचमुच पागल तो नहीं हो गया? ए तेले बोलने तेरा मतलब है दो लोग ऐसी बातें करते हो पागल होते हैं? तू इनडायरेक्टली मुझ तो पागल बोल रहा है? अरे मेरा ट्रिप एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताई थे दादा कल अपना ताम तरता। ठीक है मैं ताम तलते तलते तत्ते आऊँ, मैं अंदर अपने बेटे के पास जाता हूँ। होते ये सारा माहौल चेंज नहीं हो गया? मुझे क्या पूछ रहे, मैं तो खुद भोचा क्या हो गया भाई। आप हैदराबादी क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे क्या मालूम मैं हैदराबादी क्यों बोल रहा हूँ, तब लोग दिमाग था रहे, दाओ निकलो। बोलता है निकलो यहां से और खुद ही निकल गया। ला ला ला। अरे ये क्या हालत बना रखी है इनकी, देख नहीं ले तब लोग थाप थपाई कर नए लोकल, चल तू भी थाप थपाई तल। अरे बेटा मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा? अरे मुझे मालूम है तू मेरा कंस मामा है, तल ताम तल तल। अरे बेटा ये सूट बूट पहनकर ये काम मुझे सूट नहीं करता है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहन कर ताम तूत नहीं करता। उधर देखिए क्या है, ए ताम दीदी अभी थूत उतर गया, अभी थूत करेगा, चलो। हाँ हाँ कर ले वरना हराम हराम खोर ही इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन तूने मुझे ना हराम ऐसे बोला, देते तो मुझे हराम खोर बोलने वाला। नहीं 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 मैंने बिल्कुल नहीं बोला, मगर मेरे को तो ऐसे ही तूने दिया कि जो तूने बोला है। नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। अच्छा राज एक बात बता, तू हैदराबादी को बोल रहा था? बहुत चालू है मेरे को भगाने का, नया नया आजाद निकालता है। आजाब आजाब एक बार फिलते आजाब। हैदराबादी क्यों बोल रहा था? कोट दे देना भैया। अरे 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 रोमांच 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 सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो हैदराबादी क्यों बोल रहा था? चुप रहो जी। क्या ये पॉपुलरिटी हमारी हो सकती है डैड? क्यों मारा तू उस पागल के तला तुतला कर बात क्यों तल रहा है? मैं तोतला रहा हूँ या आप तोतला रहे? नहीं 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 मानना नहीं। क्यों? मैं तेरा बापू। ओते तूने मुझे क्यों मारा? आप तो तला के बोल रहे थे। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ ठीक है एक बात बताओ, वो हैदराबादी को बोल रहा था? क्यों बोल रहा था? मेरे को मारा। अरे चुप हो जाओ, इससे पहले कि घर के सभी लोग पागल हो जाएं, हमें उस पागल से जायदाद हासिल करनी है और इसके लिए किसी एक को केयरटेकर बनना पड़ेगा। मुझे बना दो केयरटेकर, मुझे बना दो। क्यों मैं क्यों नहीं बन सकती? खामोश, मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ, केयरटेकर मैं बनूंगा। नहीं मैं उसका भाई हूँ, मैं बनूंगा केयरटेकर। मैं क्यों नहीं बन सकता? अरे मैंने एक बार बोल दिया, झगड़ा बंद करो। ये वक्त आपस में झगड़ा करने का नहीं है, हमें किसी भी तरह से ये जायदाद हासिल करनी होगी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब जरा सोचिए, क्या ये करोड़ों की प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकता है? नो नेवर। इसके दादाजी के विल के हिसाब से ये प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है, मगर कानूनन किसी पागल के नाम पर प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका नाम जायदाद से हटाकर इसके रिश्तेदारों को उस प्रॉपर्टी का केयरटेकर बना देना चाहिए। अले त्या बात तरह वकील साहब, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताई थे और मेरा केयरटेकर कौन बनेगा? ये झिंगुल, ए झिंगुल तू मेरा केयरटेकर बनेगा? तेरी औकात है। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि राज ओबराय की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनकी सारी प्रॉपर्टी का केयरटेकर इनके रिश्तेदारों को बनाया जाता है। केयरटेकर्स होंगे आशीष ओबेरॉय, दिलीप ओबेरॉय,
विक्की ओबेरॉय, अंजू ओबेरॉय और मीनाक्षी ओबेरॉय। नहीं दत्ता, नहीं, ये नहीं इंतजामी है दत्ता, ये नहीं इंतजामी है। मैं बदनाम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने दादा जी की तरह तुताई कर लूँगा, तुताई, 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 तुताई। राज, इतने क्या हो गया राजी? अब मेरे को दुनिया में नहीं जीना, नहीं राज, सुनो, राज, मेरा ड्रामा कर लेते मेरे को। राज, तुताई, राज, मेरे को नहीं जीना, तुताई, तुताई, मैं कह रहा हूँ तुताई। अल्लाह, ये तो सचमुच की लग गई। राज, राज, तुम्हारा कितना खून बह रहा है राज? मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है राज। क्यों, मेरी याददाश्त में क्या हो गया? वो राज, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, वो वापस आ गई है। ये कोर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है राज। हमारा कौन सा केस चल रहा है? आओ चल के देखते हैं। जल्दी चलो कोर्ट में। बताओ मुझे रास्ते में। एक मिनट जज साहब, बस एक मिनट के लिए रुक जाइए। वो बिल्कुल ठीक हो गया जज साहब, वो आ रहे हैं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। थैंक यू योर ऑनर। इनकी ऐसी की तैसी मारूं, ये भी छाड़ा बन रहा था। योर ऑनर, आई जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट यू आर मेकिंग देम केयरटेकर ऑफ माय एंटायर प्रॉपर्टी, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस फैक्ट दैट दिस पीपल आर नॉट ओबेरॉयज, दे आर मनी रॉयज। या फॉर देम लाइफ इज मनी, मनी एंड ओनली मनी। They can cry for money, they can try for money, they can lie for money, they can kill for money, they can die for money. And that's why I humbly request, sir, that you let this property be only on my name. I will not only take care of this entire property, but I will also take care of them very well. And I think I will take care of them better. अदालत बदले हुए हालात को देखकर अपना फैसला बदलने पर मजबूर है, क्योंकि अब राज ओबेरॉय की दिमागी हालत ठीक नजर आ रही है, इसलिए अदालत उनकी प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदारों के नाम से हटाकर राज ओबेरॉय के नाम कर दी। ओ राज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। नकोमन, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एक हाथी था और एक चींटी थी। प्लीज राज, कम ऑन यार, आई एम फूलिंग। आदा, हे, यू जस्ट गो अहेड, आई विल जॉइन इन वन मिनट, ओके? जल्दी आ। हियर आ। हे, हे, Hey, क्या कर रहे? क्या कर रहे? भुट्टी के सामने कैसे बात कर रहे? तो क्या करूं, नाश करूं? तू मेरे को एक बात बता, तू राज को कभी देखा नहीं, तू उसके सरे का अंग्रेजी कैसे बोलने का चालू किया रे? अरे सीधी बात है, इतने बड़े फैमिली का लड़का है, अंग्रेजी तो बोलता होगा बिजनेस संभालते समय। वैसे भी कल रात को मैंने रात को इन लोगों का पिलान सुन लिया, ये पूरी फैमिली मिलके मेरे को टपकाने को देख रही थी। मैंने रात भर बैठ के अपना पिलान बनाया, देखो रात भर मैंने राज ओबेरॉय के कैसेट देख मारे, सुबह इनकी नस्ल बिगाड़ डाली। अभी देखो मैं क्या करता, पूरी फैमिली का एक एक फर्नीचर बेच डालता, एक एक गालीचा बेच डालता, वो कमोड होता ना, वो कमोड भी बेच डालता मैं। कमोड बेच डालेगा? और नहीं तो फिर कहाँ करेंगे वो? अपना टेंशन थोड़ी है, वो इनका टेंशन है। आओ। अच्छा, ना हरंग में ना सुकून मिलता है, ना सुकून मिलता है आदा। गुड मॉर्निंग सर। आदा, कैसे सुकून मिलेगा तुम लोग के रहते हुए हमको? अरे कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। उस्ताद, टाइम पास और भी है, आगे चलिए। आदाब। अम्मा, गुड मॉर्निंग। आदाब। 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 चल फिर मिलेंगे, चल चल मिलना हो। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की है। विक्की ओबेरॉय की है, बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है, बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। थैंक यू। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर, बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ वो जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ, सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जाओ। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। ओ, कितना समझदार। अरे राज बेटा, तुम बेच मारो इनको, कौन है ये? मीना के बाप रे, ये वही है क्या? अरे बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा कैबिन में चलो। आप चलो, मैं अभी आता हूँ। क्या कर रहा है? क्या हुआ? इनसे भी पैसे वसूल कर। हाँ नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं हैदराबादी नहीं हूँ। घबराओ मत, मैं बेच मारूंगा इनको, घबराओ। अंकल, मैं मीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे दहेज में 50 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, जब तुम्हें तबीयत खराब हो गई थी
और मैंने शादी से इनकार कर दिया था। तुम इसका बदला लेना चाहते हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर 50 करोड़ रुपए मिल जाते तो आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होती। अच्छा अच्छा, मेरा दामाद आगे बढ़ना चाहता है? यस अंकल, बल्कि हम इतना आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन खड़े खड़े सड़ जाए। ठीक है, मैंने तुम्हें 50 करोड़ रुपए दिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए और मीना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मगर मीना है कहाँ? पीछे तो नर्स से बातें कर रही है। नर्स से बातें कर रही है? मगर वो नर्स से बातें क्यों कर रही है? क्योंकि वो हसमुख है। वो हसमुख है, मगर मुझे तो वो ज्वालामुख लगती है। मैं चला। बेटा कहाँ जा रहे हो? ज्वालामुख बुझाने के लिए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे वालों ने। ये कवाली क्यों गा रहा है? सच्ची सच्ची बता रहे, तू उनके कितना नजदीक आ गए? इतना इतना कितना न इतना न इतना। अरे तो कैसी पोस्टर तरीकी चिपक गई रे तू? हम दोनों दो जिस्म एक जान है और बहुत जल्द हम तो और बहुत जल्द क्या रहे? उसके बच्चों की अम्मा बनना चाहती क्या? तेरा इरादा क्या रहे? तू मेरे को नहीं जानती, मैं हैदराबाद की पोटी, आंखा निकाल के गोटी खेलती रही गोटी। ये क्या बड़ी बड़ी आंखा लेके टुकड़ देख रही? तेरी गर्दन चिकन के जैसे, काट को चिकन बिरयानी में डालती। अरे मेरे को तमीजा की कमीजा पहना रहा? अरे तेरे कपड़े फोड़ डालती मैं। अपनी औकात में रहो नर्स, ये हमारी मीना है। अरे रे रे रे, बावला हुए क्या? घर के अंदर 5 कैलेंडर छाप मार के छोड़े, उसका क्या? साल बदल जाता तो कैलेंडर बदलता ना। मैं तो सोच रहा हूँ पूरी प्रिंटिंग प्रेस बदल डालूं। मीना, मीना, अब मुझे तुम्हारे बगैर नहीं है जीना। क्या बोले? मीना, क्या बोले? मीना, क्या बोले? मीना, निकल रे मीना। माटी में लो, मैं देखती तो कैसा शादी रचाता। बनाया सनम, इस जहां के दीवाने सब आशिकों की कसम। चाहे दिन हो चाहे रात, करता हूं बस तेरी बातें जाने जा। कि तुम अगर दामन छोड़ दूं यार, मेरे खुदकुशी मैं कर जाऊंगी, बेवफाई ना सहूंगी, मर जाऊंगी। बेवफा मैं नहीं, तुझको मुझ पे है भरोसा, कैसे दूंगा तुझको धोखा ना रे ना। जहाँ के दीवाने सब आशिकों की कसम। क्या हो गया, मैं तेरे ख्वाबों खयाल।
मुझे तेरी नजर ने आशिक बनाया सनम। दीवाने सब आशिकों की कसम। तानम वाली पोटी के साथ डिस्को मेरे साथ कवाली आने दे, उसके गाला पे ताली मार मार को पिचका दी थी मैं। आ गिर तू, क्या हुआ क्या हुआ क्या आ? तुम जैसी बीवियां ओल्ड केस हो जाती ना तो इतना भड़कने लगती, शोकेस में रखने लायक नहीं रहती भाई। तेरे को कीड़े क्या कर रही है, कितना मार रही तू आजकल? पोटी से चिपका में बर्दाश्त की, तू हैदराबाद में लफड़े किए में बर्दाश्त की, लेकिन तू पोटी के साथ शादी करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैं हैदराबाद जाकर तेरे बाबा को बोलती, मेरे बाबा को बोलती, पूरे मोहल्ले को बोलती। जानू इधर इधर को इधर को आना। अरे टाइम पास कर रहा मैं, काम को थोड़ा सा आराम दो। ए तू क्या है रे, तू क्या है? तेरे बाबा ने, ए मेरी बात सुन, तेरे बाबा ने क्या दिया मेरे को? हाँ, एक लोटा, एक थाली, एक लुंगी वो भी फटेली, एक पोटी वो भी हटेली। अरे तू हमेशा समझती मुझको कमी ना, हट जा, किधर है मेरी मीना? अरे जा, जा, मीना। मैं भी देखती तू मीना से कैसे शादी करता, तू मेरा मर्द है, हाँ, सबको बता देती। ए, क्या बोल रही तू? एकदम सफा बोल रही मैं। जो पागल की एक्टिंग कर रहा था वो तेरा पति है? हाँ, लेकिन वो हैदराबादी को बोल रहा है मेरे को मारा। अगर ये तेरा पति है तो फिर राज कहाँ है? मेरे को क्या मालूम, इनू तो कवाल है, एक नंबर के मवाली, एक नंबर के गुंडे हैं। हाँ, तुम्हारे राज को किधर काट काट को गद्दा खोद के डाल दिया। हाँ, मतलब ये कवाल तुम्हारा पति है? सच बोले तो मेरे पांच बच्चे हैदराबाद जाको प्रूफ लेके आती ना। समझ गया समझ गया, काम करिए, 500 रुपए ले, ट्रेन पकड़ो, जल्दी से प्रूफ लेकर आ। प्लेन का रिटर्न टिकट देती तो जल्दी आती ना। आजकल कड़की चल रही है, ये सब ले, जल्दी से जा और प्रूफ लेकर आ। मैं अब भी गई और आई ना। आई और गई, पर जल्दी से आना रे। एक काम करते, अंदर जाते हैं, उस ढेर रुपया को पीटते हैं और पूछते हैं कि राज कहाँ है। हां चल, अल्लू से निकल लो चुपके से, पैसे में उड़ा चुका हूं। ये साला फ्रॉड डुप्लीकेट, अगर गया तो गया कहाँ? एक बार मेरे हाथ लगे ना फिर आप देखते। कितनी बार तुम्हारे हाथ में लगा, तुमने कुछ किया क्या? फिसल गया, मैं क्या कर सकता हूँ? स्लिपर ही है, मैं क्या कर सकता हूँ? वो कमीना राज ओबराय है ही नहीं, वो तो फ्रॉड है फ्रॉड। उसने मुझे 50 करोड़ रुपए लोन दिए थे और उन पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। भाई साहब, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितना बड़े बड़े कमीने देखे, लेकिन इतना बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई साहब, हमारा एक घर उसने टुकड़ों में बेच दिया। भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ? वो हैदराबादी क्यों बोल रहा था? वो हैदराबाद में रहता है इसलिए हैदराबादी बोल रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन वो हैदराबादी बोल क्यों रहा था? एक काम कर, इधर इधर साइड पे बोल रहा। मेरे को मारा। ठीक है ठीक है, लेकिन वो पैसे लेकर गया कहाँ? पैसा मेरी जान है, पैसा ही शान है, पैसा मेरा धर्म है, पैसा ही ईमान है, पैसा मेरी प्यास है, पैसा मेरी आस है, सारी दुनिया साथ है जो पैसा मेरे पास। पैसा ही पुण्य है, पैसा ही पाप है, पैसा ही भाई बहन, पैसा माई बाप है, पैसा है तो यार है, पैसा है तो प्यार है, पैसा ही नसीब है, पैसा ही हबीब है, पैसा है तो नाम है, पैसा है तो काम है, पैसा खनकता है, पैसा चमकता है, पैसा महकता है, पैसा छनकता है, पैसा हंसाता है, पैसा रुलाता है, पैसा जगाता है, पैसा सुलाता है, पैसा ही गाता है, पैसा नचाता है। एंड दैट्स व्हाई माय फ्रेंड, आई वांट मनी, money, black money, white money, how I got a lot of money.
treats me like a king. For me, they'll do anything. Money can make me dance and sing in London, New York, and Beijing. Wrong money, right money, white money, black money. Money, money. Oh my God, I love money. Money is my only passion. What happened? Are you lost? Where's your mother? Where's your father? He wants money. That. I really love money, man. I'm your brother. I'm your sister. I'm your father. I am your friend. Do you all have money? No! Hey, nobody believes in relation because money is the only thing in fashion. If there's no money, life is lean. Money can pay my every bill. With money you will see how great you feel. Whether you beg, borrow or steal, pound, rupee, dollar, dinar. If you got money, you are a star. Money is money, whatever the name. With it you can play any kind of game. You live for money, you kill for money. You lie for money, you die for money. Money, money, money. Wow, somewhere in the air, money is there. Look at that, he's almost still, he wants more money, man. Money, I want money. Good, good, man, good, baby. Money, yay. I want money. Right, right, everybody wants money, yeah. Money, yay. I want money. He wants money. Money, I want money. क्या कर रहे इधर को मैं जा रहा हूँ उधर को तुम्हें आ रहे अरे तू मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहा मेरे को हाँ तो दे रहा ना ये 5 लाख रुपया उठा और जाओ अपने घर को 5 लाख रुपए बावला हुआ है क्या अरे तू नकली राज उभरा है मैं घर का असली नौकर तेरे को इतना हिस्सा मेरे को पूरा होना ये हैदराबादी कौन रे मेरी एक्टिंग कर रहे क्या नहीं गलती हो गई मुंह से निकल गया तो ठीक है पूरा का पूरा लेके जाओ सब ले जाऊं आओ सब लेकर जाओ तुम्हें सच बोल रहा है आओ और कुछ चाहिए क्या हाँ इतना काला दिया तो थोड़ा वाइट भी देगा तो बहुत मेहरबानी होगी ना यहाँ हैदराबाद के फकीर चंदा के माँ भी हाथ फैला फैला के पैसे मांग रहे तुम्हें मैं तुम्हारे को 200 करोड़ रुपए लिख के देता चेक से 200 क्या बात कर रहे और लग को मांगना नहीं तो 2 करोड़ रुपए आ जाता मैं ये लो ये तो 100 करोड़ है देखते रहो उसको अंख्या फाड़ फाड़ के देखते देखते अगर 200 करोड़ नहीं हो गए तो मैं अपना नाम बदल देता देखो हाँ गायब अरे ये तो उड़ गए आटना भी नहीं बचा मेरे को ए ए चोर अरे कोई ये भी नहीं गायब कर दे उठा लो उसको बोरा क्या मुसीबत है आराम खोर इतना सारा रुपया लेके तू जा कर रहा था ये सारा रुपया हमारा है हमारा नहीं नहीं इसमें मेरी भी मेहनत है ये नोट नकली है ये नोट नकली है क्या ये नोट भी नकली नोट भी मतलब क्या मतलब है तुम्हारा उसने मुझे चेक दिया था ये तो खाली है ब्लैंक ही है नहीं इसमें 100 करोड़ लिखा था तो बोला बहुत देर तक देखते रहे ना 200 करोड़ हो जाएगा फिर वो फिर स्याही उड़ गई ब्लैंक हो गया तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में मैं कलर मिला सकता हूँ लेकिन मेरी एक कीमत होगी कितने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 100 करोड़ मेरी हमें मंजूर है वाओ लेकिन वो मिलेगा कहाँ चिंगू साले भेरूपिए नहीं तो तेरा सर गोलियों से छलनी कर दूंगा मैं अरे तातू
अरे तातू क्या कर ले हो? मैं तुम्हारा राज हूँ, राज। नहीं, नहीं, ये राज नहीं है, ये ना। अरे तेरी कवाली सुन सुन के हमारे कान पक गए। अरे वो तवाल इधर आया था क्या? अरे बहुत तालू आदमी है, देखो उसने मुझे पहले बताया। क्या बताया? अबे बताया, हाँ उसने मुझे पहले बताया, फिर मेरे से दोस्ती बनाया, फिर मेरे को अपने घर ले गया और उसने मुझे फताया, फिर भले से कमले के अंदर बंद करके सारा पूरा माल उतने के इधर चलाया। वो पैसे तो नहीं ले गया? पैसे पैसे पैसे। अरे हम कैसे माल ले, तो कवाल नहीं राज है। अरे एक साथ दो दो देखोगे तो मानोगे ना। तू चल जल्दी चल। अरे मैं तो एड्रेस ही भूल गया, ये गन का पॉइंट थोड़ा इधर करो। अभी याद आया, याद आया। चल चल चल। आई डोंट नो What is happening in my life? But I am very happy with a lot of money and without why. मजा ले साकी। क्या हो रहा? इतना छुप के बैठा फिर भी फोन आ रहे, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है शहर में? हेलो, कौन टाइम पास बोल रहा है? बेगम? अरे क्या बेगम, क्या बोलना यार, इतने खुले खुले तीन पेटियां भर के नोट देखकर मेरे को टेंशन हो रही। देखो हमें लोग एक काम करेंगे, इसमें से 90% पैसे जो है वो गरीबों में बांट डालेंगे, और उस 90% में से जो 10% बचेंगे ना, उसमें से 90% अपने खानदान वालों को तुम बांट डालना, वो भी बहुत बड़े गरीब है, और जो 10% बचेंगे ना, उसमें से 90% में अपने पोटे पोटी को दे डालता, और तुम्हारा मेरा क्या है, कवाली गा खुशी लेंगे। क्या वो डुप्लीकेट भाग गया हो नहीं? अरे क्या बोल रहे तुम्हें, अभी भी यहां से भागता? अरे फोन रखो तुम्हें प्लीज। मांझकुरा का कैसे भाग गया ये? अरे लाली ये हो गया काम। सबकी मौत देख रहा हूँ कमीनो। क्या पिला दिया तातू? गया। अरे नीचे गिलेगा तो मर जाएगा और तुम लोग को फांसी हो जाएगी तातू। अरे नहीं होगी बच्चे, हमें फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम लोग के बाप का लाश चल रहा है। अरे पोत माता में मालूम नहीं पड़ेगा कि किसका मदर हुआ है? ए, तू तो पागल है, फिर समझदारी की बातें कैसे करता है? ए, मेरा सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी सब टाइट है। लेकिन बेटे हमारे चारों स्क्रू टाइट है, हम बहुत बड़े कमीने हैं, हमने इसके शरीर में ऐसी दवा डाली है जिसे आधे घंटे के लिए बेहोश रहेगा, होश में नहीं आएगा, और इसी बेहोशी में वो जिंदा नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो मुर्दा हो जाएगा, और पूरी दुनिया से आत्महत्या समझेगी। ए झिंगुल, तेरे को कितने दिखाए तब, कितने दिखाया तेरे को? अरे चुप कर पागल, ये पोत मतलब में था मालूम पड़ जाता है। तुम लोग फतोगे और तुम लोग को फाती होगी, फाती होगी, फाती होगी और फाती होगी। नहीं होगी। हो दी। अरे बिल्कुल नहीं होगी। हो दी। अरे तुम्हारे दादाजी को भी तो मैंने ऐसे ही मारा था। उनके बॉडी में भी हमने यही दवा डाली थी और ऊपर से नीचे फेंका। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया? आत्महत्या। कोई फंसा? कोई नहीं फंसा। इसका मतलब दादाजी को तुम लोगों ने मारा? हां भाई, हमने मारा। यहाँ से उठाकर फेंक दिया तुम लोगों ने मेरे दादाजी को? यही से। भाई साहब, ये सीधे सीधे बात क्यों कर रहा है? इस साले के चारों स्क्रू टाइट है, हम लोगों के स्क्रू ढीले हैं। ये साला फ्रॉड है, फ्रॉड। भाई साहब ये फ्रॉड है तो फिर ये क्या है? इसको मत मारो। ये जब तक जिंदा रहेगा हमारी जान को खतरा रहेगा। Yeah.
आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है ना तुझे, अब खाएगा आइसक्रीम? अरे तो ठीक हो गया, मगर तू ठीक नहीं हुआ ना। अरे मेरे कपड़े, अब तू आगे से भी फटेगा। चल बचा, मेरे को छुड़ा ला, मेरे को निकाल। एक मिनट भाई साहब, आपने तो इसको दवाई पिलाई थी, ये होश में कैसे आ गया? ये दोनों मिले हुए हैं, इसने पाटली बदल दी थी। अच्छा, लेकिन ये हैदराबादी क्यों बोल रहा था? कुत्ते, मेरे दादाजी को मार दिया, छोड़ो मारे। हजरत, ऑफिसर सलमान खान को गोली चलाने का पूरा हक है। ये कवालन पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में? कवालन नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर सलमान खान। मैं तुम सबको कृष्णा ओब्रॉय के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। माशाल्लाह, क्यों झटका खा गया ना? अब हमसे मुलाकात कीजिए। सीबीआई ऑफिसर बनने खा। दरअसल हुआ यूं कि मैं और मेरी जोरू एक केस सॉल्व करने के लिए शिमला गए हुए थे। वहां पर अचानक मुजरिमों ने हम पर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार करने लगे वो। उनसे बचने के लिए हम लोग एक छोटे से पहाड़ के पीछे जाकर छुप गए, तो देखा मिट्टी में दबी हुई एक बॉडी। जब उस बॉडी को बाहर निकाला तो देखा उसमें सांसें चल रही हैं और इनकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती। उसके बाद मैंने और मेरी जोरू ने सोचा कि भले ही ये केस हमारी हद के बाहर सही, लेकिन इंशाल्लाह हम इस केस को सॉल्व करेंगे। इन्होंने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन जैसे ही मैं कोमा से बाहर आया मैंने सबसे पहले दादाजी से मिलने की कोशिश की, मगर किसी भी तरह मैं उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। और अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि दादाजी ने आत्महत्या कर ली, और मैंने ये सोचा कि जो खुद मुझे आत्महत्या करने से रोक रहे थे वो भला ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। मैंने बन्ने खां से मदद मांगी, और बन्ने खां का आप लोगों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था मुरारी काका। और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, आज ये केस सॉल्व है। कवाल और कवालन बनकर हम मुरारी की दुनिया में आ गए। एक मिनट मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि असली मुजरिम हम हैं? हमने कहा और आपने सुना बस। लेकिन कानून ने नहीं सुना, और कानून सबूत मांगता है। राज तुम्हें झिंगुर करके कुछ गलत नहीं करता था। नजरें उठाकर देखो चारों तरफ, इस वक्त शहर का हर टीवी चैनल तुम्हें लाइव कवर कर रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ही नहीं बल्कि शहर का हर एक आदमी तुम्हारी हकीकत जान चुका है। अब तुम लोगों के बचने का कोई चांस नहीं। हक है, हक है। तेरी कहानी से मुझको एक सबक मिला है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसको मिला है उसका इंसाफ दे के लाजमी है ये कहना। वाह तेरा क्या कहना, वाह तेरा क्या कहना मुरारी जी। राज, मैंने कहा आदाब, मैं हूँ मीना। ऊपर वाले ने इन्हें मेरा हमशक्ल बना के मेरी जान बचाने के लिए भेजा था। आई एम सॉरी मीना, मुझे तुम्हारे साथ कई खेल खेलने पड़े, लेकिन वो सब देखिए मुझे मेरा राज मिल गया,
अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो कुछ भी किया राज को अपना हक दिलाने के लिए किया। Me like a king, for me they'll do anything. Money can make me dance and sing in London, New York, and Beijing. Yeah.